नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास खबरों के साथ, जहां कासगंज में अज्ञात महिला की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला का शव अधनग्न अवस्था में खून से लथपथ पड़ा मिला। वही रेप के बाद गोली मारकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम पहुंची, साथ ही मौके से फॉरेंसिक टीम ने सबूतों को एकत्रित कर आगे की कार्रवाई पर जुटे। आज सुबह थाना ढोलना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ईसापुर के समीप एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल इस सूचना पे स्थानीय पुलिस उच्चाधिकारी एवं हमारी फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची। मौके से भौतिक साक्ष्य संकलन कराया गया है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि महिला के सिर में गंभीर चोट लगने के कारण से इसकी मृत्यु हो गई है। महिला के शिनाख्त के प्रयास सोशल मीडिया पे फोटो शेयर करके कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वही अगली खबर बहराइच से, जहां कोतवाली कैसरगंज परिसर में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोतवाली परिसर नगर पंचायत कैसरगंज चेयरमैन यूसुफ अली उर्फ सोनू और क्षेत्र के प्रधान ने सभी लोगों को अवगत कराया कि ताजिया और कांवड़ यात्रा का पर्व हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति विवाद फैलाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से, जहां जिले में साइकिल चोरी के आरोप में दो लोगों को ग्रामीणों ने तालिबानी सजा दी। हाथ पैर बांधकर ग्रामीणों ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच की बात कर रही है। वही एएसपी दुर्गेश सिंह ने बताया कि मामले की जाँच का कार्रवाई की जा रही है। जी सर, दो चोर की पिटाई का क्या मामला है, क्या जाना है? सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि कुछ लोगों ने दो व्यक्तियों को बांध रखा है हाथ उनके, और उसमें ये बताया जा रहा है कि ये मझिला या शाहबाद थाना क्षेत्र का हो सकता है। वीडियो को संज्ञान में लेके इसकी जांच की जा रही है। वही अगली खबर यूपी के पीलीभीत से, जहां जनपद में आधा दर्जन से अधिक साधु संतों ने बरखेड़ा विधानसभा के बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद पर जान से मारने की धमकी देने और आश्रम उजाड़ने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए डीएम से शिकायत की है। साधु संतों का कहना है कि थाना बरखेड़ा पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। वही लोगों ने डीएम से मुकदमा दर्ज कर किसी अन्य थाने से जाँच कराने की मांग की है। उधर विधायक का कहना है कि साधु संत उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें कई हिस्ट्री शीटर भी हैं। उन्होंने भी थाने में आरोपी साधु संतों के खिलाफ शिकायत की है। डीएम साहब के यहाँ आप आए शिकायत लेके, क्या समस्या है? समस्या ये है क्योंकि ये हमारे जो विधायक जी हैं उनसे रोड के लिए बोले थे कि यहाँ पे हमारा मेला होने वाला है और ये रोड बनना है, तो उसके लिए विधायक जी ने धमकी दिए थे कि नाथों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो इसीलिए मैं थाने पे भी गया, थाने से दरोगा को और सिपाही को भेजा आश्रम पे मारे। वही अगली खबर सहारनपुर से, जहां एक व्यक्ति को विदेश जाने की ऐसी लत लगी कि उसने फर्जी दस्तावेज तैयार करके अपने आप को अपराधी बना डाला। जी हां, सहारनपुर के थाना बड़गांव पुलिस ने सचिन नाम के एक व्यक्ति को फर्जी पासपोर्ट फर्जी वीजा के साथ गिरफ्तार किया। थाना बड़गांव पुलिस की पकड़ में आए सचिन ने अपने ही भाई की स्कूल मार्कशीट और दस्तावेजों को अपने नाम पर स्कैन करके फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए। पुलिस के मुताबिक सचिन विदेश जाकर नौकरी और पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन स्कूली शिक्षा में देर होने के कारण विदेश का वीजा वो प्राप्त नहीं कर पाया, जिस कारण उसने अपने ही भाई के स्कूली दस्तावेजों को फर्जी तरीके से स्कैन करके अपने नाम से दस्तावेज तैयार किए। साथ ही सहारनपुर पुलिस ने सचिन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जी, आज थाना बड़गांव पुलिस द्वारा एक मुकदमा 91/23, ये धारा 420 67 68 और
3/12 पासपोर्ट अधिनियम में दर्ज किया गया था। इसमें एक वांछित अभियुक्त है सचिन, उसको आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि इन्होंने अपने छोटे भाई जिन्होंने 2020 में हाई स्कूल पास किया था, अगली खबर बुलंदशहर से, जहां तहसील सियाना के गांव मवई में तेज बरसात के चलते एक मकान का लेंटर गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दुखद घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने स्थिति का जायजा लिया, साथ ही सूचना मिलने ही पुलिस प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मकान गिरने से मलबे में दबे सभी शवों को बाहर निकलवाया। डीएम ने इस दुखद घटना पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहित सरकार की ओर से दी जाने वाली सभी नियमानुसार सहायता दी जाएगी, साथ ही मकान की क्षति के संबंध में भी परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मवई गांव है सयाना तहसील में नरसेना थाने में, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी रात में। एक राजपाल सिंह थे जिन्होंने कल अपने छत की लेंटर डाली थी फर्स्ट फ्लोर की, वो छत बैठ गई, अतिवृष्टि हुई थी और उसके कारण नीचे का भी जो था पोर्शन वो बैठ गया। उसमें राजपाल, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चों धर्मेंद्र और कुलदीप की असमायिक मृत्यु हुई है और रात बचाव कार्य पूरा किया गया। ये सवेरे लगभग 4 बजे की घटना है और सवेरे से ही पूरा प्रशासन लगा हुआ था। अगली खबर सहारनपुर से, जहां सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज इन दिनों वृक्षा यात्रा के जरिए लोगों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। स्वामी दीपांकर की इस भिक्षा यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि विभिन्न जाति में बचे लोग अपनी जाति ना बोलकर खुद को सिर्फ हिंदू कहें। इस भिक्षा यात्रा के साथ साथ स्वामी दीपांकर महाराज ने जन समर्थन सहयोग और मिस्ड कॉल मुहिम भी शुरू की है। स्वामी दीपांकर की तरफ से एक नंबर जारी किया गया है, इस नंबर पर मिस्ड कॉल कर हिंदू समुदाय के लोग खुद को हिंदू होने की घोषणा कर सकते हैं। इसी के तहत आज स्वामी दीपांकर सहारनपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोगों से अपनी भिक्षा यात्रा पर मिस्ड कॉल मुहिम को लेकर चर्चा की और उनको हाथ उठाकर एकजुट होने का संकल्प भी लिया। मिस्ड कॉल के साथ साथ जन समर्थन भी है, कुछ कॉलोनियां चुनी जाएंगी, वहां के कुछ मुख्य लोगों से मिलकर उनसे जन समर्थन लिया जाएगा और उनको प्रेरित किया जाएगा कि आगे आप भी लोगों को प्रेरित करें। और ये मिस्ड कॉल का अभियान बहुत ही सक्सेसफुल हुआ और मैं समझता हूँ कि अभी 1 मिलियन तक बात पहुंची है, मैं चाहता हूँ 10 मिलियन तक पहुंचे। कम से कम डंके की चोट पर कह तो पाऊं कि 1 करोड़ मेरे साथ लोग खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हम हिंदू ही हैं, जातियों में बंटना नहीं चाहते। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम मुझे लगता है अपने आप में सक्सेसफुल नहीं, भविष्य की आधारशिला रखने वाला होगा। अगली खबर गाजीपुर से, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज जखनिया स्थित सिद्धपीठ हथियाराम मठ पहुंचे। मठ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं सिद्धपीठ हथियाराम मठ में मोहन भागवत का 1 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम है। अपने प्रवास कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मठ में आयोजित चातुर्मास अनुष्ठान में शामिल होंगे। इस दौरान मोहन भागवत मठ में दर्शन पूजन रुद्राभिषेक करेंगे। मठ में आरएसएस प्रमुख आध्यात्मिक सभा के जरिए साधु संतों से वार्ता भी करेंगे। अगली खबर बस्ती से, जहां आरिफ और सारस की दोस्ती की कहानी तो आपने देखी और सुनी भी होगी, लेकिन इन दिनों बस्ती में भी एक सारस को गांव की आबोहवा भा गई है और उसने गांव वालों से दोस्ती कर ली है। सारस दिन भर गांव में इंसानों के बीच रहता है, लोगों से प्यार जताता है, खाता है, पीता है और सूरज ढलने के बाद अपने ठिकाने पर लौट जाता है। बस्ती जिले के कुदराहा ब्लॉक के रोहारी गांव में सारस और इंसानों के बीच दोस्ती का ये नजारा जो भी देखता है उसके कदम ठहर जाते हैं और हर कोई सारस के साथ सेल्फी जरूर लेता है। अगली खबर झांसी से, जहां आवासीय स्कूल में आई फ्लू ने पैर पसार लिया है।
इस बीमार की चपेट में आने से 55 बच्चों को आंख से पानी आना, जलन, लालिमा, सूजन, दर्द की समस्या हो गई है। इसके चलते बुधवार को मेडिकल टीम स्कूल पहुंची और सभी 55 बच्चों का मेडिकल चेकअप किया। इसके बाद गंभीर दिक्कत वाले 15 बच्चों को दवा देकर घर भेज दिया गया, जबकि बाकी बच्चों को दवाई देकर एहतियात बरतने की सलाह दी गई। सभी बीमार बच्चों को स्कूल के अन्य बच्चों से अलग दूसरे कमरे में रखा गया है। महानगर से सटे कोशा भवर गांव में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बना हुआ है। ये आवासीय स्कूल है। यहाँ पर करीब 370 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। सोमवार को 2 बच्चों को आंखों में जलन, पानी आने, लालिमा आदि की दिक्कत होने लगी। मंगलवार सुबह तक बच्चों की संख्या बढ़कर 23 हो गई। तब स्कूल प्रबंधन ने सभी 23 बच्चों को इलाज के लिए झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां पर उनका ट्रीटमेंट किया गया। अगली खबर महाराजगंज से, जहां जिले के ब्रजमनगंज थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी की दुकान में हुए चोरी का खुलासा किया है। इस मामले में 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से सफेद और पीली धातु के आभूषण भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों को चालान कर जेल भेज दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ब्रजमनगंज थाना क्षेत्र के बंगला चौराहा स्थित अजय ज्वेलर्स की दुकान से हुए चोरी के मामले में केस दर्ज कर जांच की जा रही है। इसी बीच आज प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार लेदवा चौराहे पर मौजूद थे। अगली खबर झांसी से, जहां लहचूरा थाने में एक किसान नेता को बुलाकर दरोगा ने रात्रि के समय में अभद्रता कर दी। जानकारी के अनुसार बताया गया कि बमहोरी निवासी जुगल किशोर नायक को थाने में 8 बजे रात्रि के समय बुलाया गया और उनके साथ बदतमीजी कर अभद्र व्यवहार किया गया। इसी को लेकर किसान नेता अखिलेश लिटोरिया जिला उपाध्यक्ष अपने किसानों के साथ लहचूरा थाने रात्रि के समय पहुंचे और किसान के साथ हुई अभद्रता को लेकर धरने पर बैठ गए। काफी समय धरने पर बैठने के बाद कोतवाली प्रभारी ने कहा, मैं ऐसे कचरे को कोतवाली से बिल्कुल खत्म कर दूंगा, इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस आश्वासन को लेकर किसान नेताओं ने अपना धरना बंद कर दिया। अगली खबर महाराजगंज से, जहां इंडो नेपाल बॉर्डर की पगडंडियों से सीमा पर हीरोइन की तस्करी करते एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए युवक के कब्जे में 20 ग्राम हीरोइन बरामद हुआ। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस हीरोइन की कीमत करीब 20 लाख आकी गई है। वही एनजीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। अगली खबर मुजफ्फरनगर से, जहां एसएसपी संजीव सुमन के निर्देशन और एएसपी के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन पुलिस का बड़ा गुड वर्क। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों के भेष में कावड़ियों के मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से चोरी के मोबाइल रिकवरी मामले में अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। अगली खबर महाराजगंज से, जहां नीति आयोग की जारी रिपोर्ट में महाराजगंज के पहला स्थान मिला है। वही राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक रिपोर्ट के आधार से नंबर 1 पर है ये जिला। साथ ही ये जिला सबसे तेजी से घटी गरीबी के टॉप 10 जिलों में से पहले स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा कुछ आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें महाराजगंज जनपद में गरीबी को लेकर कुछ आंकड़े हैं। क्या सर ये आंकड़े हैं और क्या क्या चीजों को आधार बना के ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए? देखिए, नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई को पूरे देश में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होती है, जो गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग रह रहे हैं, इसकी हेडकाउंट रेशियो की रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इसमें पूरे प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो उसमें जितने भी जनपद हैं सबके इंडिविजुअल रिपोर्ट्स हैं। अगली खबर पीलीभीत से, जहां जनपद में शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए नगरपालिका परिषद अब स्कूली बच्चों का सहारा लेगी। इसको लेकर लॉयंस बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरहा में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता को लेकर बच्चों को जागरूक किया गया। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। चेयरमैन डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने बताया कि बच्चों की मदद से वो साफ सफाई को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि अगर सभी नगरवासी रियूज, रिड्यूज और रिसाइकल को अपना ले तो हमारा नगर साफ एवं स्वच्छ नगर हो जाएगा।
सभी के सहयोग से हमारा नगर स्वच्छ और आदर्श नगर बनेगा। उन्होंने विद्यालय की प्रबंध समिति एवं शिक्षकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो छात्रों को शिक्षा के साथ साथ उन्हें स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हैं, ऐसे विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके छात्र अवश्य ही एक सभ्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बनेंगे। उन्होंने विद्यालय से 15 छात्रों की टीम को नगरपालिका मित्र के रूप में गठित करने के लिए छात्र छात्राओं का आह्वान किया। जी, कार्यक्रम इस उद्देश्य से किया गया था कि हम पीलीभीत में बात करते हैं साफ सफाई की, तो मुझे ऐसा लगा कि इंस्टीट्यूशंस या स्कूल्स जो होते हैं वे एक ऐसा माध्यम है, और बच्चों को अगर हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स में इंक्लूड करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि वो कैसे इस शहर की साफ सफाई में अपना योगदान दे सकते हैं, तो आई थिंक हम इसको इस शहर को बेटर बनाने में हमें बच्चों की बहुत हेल्प मिलेगी कि वो साइकिल से जाते हैं या कहीं ट्रैवल करते हैं तो चिप्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अगली खबर बलरामपुर से, जहां जिले के जोहना गांव में एक कलयुगी बेटे ने रिश्तों की हत्या कर दी है। पारिवारिक विवाद में कलयुगी बेटे ने अपने पिता की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी। वही बेटे ने मां को भी पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी बेटे की तलाश में पुलिस टीमें लगाई गई हैं। बताया जा रहा है कि देहात थाना क्षेत्र के जोहना गांव में उदय भान यादव किसी के पैसे उधार लेन देन की बात कर रहा था। उसकी मां ने उदय भान को उधार लेने से मना किया तो वो नाराज होकर अपनी मां को गालियां देने लग गया। माँ और पिता रामनाथ यादव ने विरोध किया तो दोनों पर लाठियों से हमला कर दिया और पिता को लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बनाई है, साथ ही आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अगली खबर झांसी से, जहां नगर निगम के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर कई पार्कों का निर्माण किया गया। पार्कों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है और इन पार्कों को सुरक्षा के लिए भी भारी भरकम प्रयास किया और प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को इन पार्कों का ठेका भी दिया गया है। जब रिजल्ट और रियलिटी चेक किया गया तो तस्वीरें कुछ और ही बयां करती नजर आईं। दरअसल नगर निगम द्वारा पार्क का निर्माण किया गया जिसका नाम है नेहरू पार्क, और इस पार्क की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं 6 गार्ड। तस्वीरों में देखिए प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा नगर निगम से सुरक्षा के नाम पर लगातार नगर निगम को गुमराह कर मोटी रकम ऐंठने का काम चल रहा है। इस पार्क में कृष्णा सिक्योरिटी एजेंसी का ठेका है जिसमें प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड दिन में ही बिस्तर लगाए लेटे नजर आए और कुछ गार्ड बिना ड्रेस के रहे, तो जितने गार्ड उस पार्क में तैनात हैं उनमें से केवल 1 या 2 ही मिले, बाकी के गार्ड गायब ही नजर आए। अगली खबर यूपी के बाराबंकी से, जहां ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय सभासदों और दुकानदारों से मुलाकात करते हुए उन्हें सफाई व्यवस्था में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने सफाई कर्मचारियों की जमकर प्रशंसा भी की। नगर पंचायत अध्यक्ष को उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी प्रकार के धन की कमी नहीं हो पाएगी। वही बिजली व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार भी भीषण गर्मी के कारण विद्युत की मांग बढ़ी है, जिस पर सकारात्मक तरीके से कार्य किया गया। देवा नगर पंचायत का निरीक्षण रहा, क्या कुछ खास यहाँ पर व्यवस्थाएं देखी गई, क्या कुछ निरीक्षण का उद्देश्य रहा? स्वच्छता को लेकर के, विशेष रूप से नगरीय स्वच्छता को लेकर के, मैं कई महीनों से बल्कि एक वर्ष से मैं प्रयास कर रहा हूँ। उस प्रयास की कड़ी में सबसे पहला काम ये मैंने किया था कि सफाई जो हमारी कर्मी की कड़ी में सबसे पहला काम ये मैंने किया था कि सफाई जो हमारी कर्मी भाई जो हमारी कर्मी भाई बहन हैं। अगली खबर उन्नाव से, जहां दबंगों का कहर देखने को मिला। दरअसल बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी बैंड गाड़ियों में आग लगा दी। देर रात अचानक गाड़ियां जलते देख आसपास के लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वही आग से जलकर 3 गाड़ियां खाक हो गईं। आग से करीब 15 लाख का नुकसान बताया जा रहा।
अगली खबर लखनऊ से। कमिश्नर एसबी शिरडकर की मानक नगर पुलिस ने बारा बिरवा चौराहे पर आईएस की तैयारी कर रहे युवक को पुलिस ने जमकर पीटा और स्मैक तस्कर बना के जेल भेजने की तैयारी भी की। बताया जा रहा है कि आईएस की तैयारी करने वाले युवक का दोस्त अगर आईपीएस ना होता तो लखनऊ पुलिस स्मैक तस्कर बना देती। वही थाने के इंस्पेक्टर ने भी आईएस की तैयारी कर रहे विनीत को धमकी दिया और कहा कि शिकायत मत करना वरना तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। बारा बिरवा चौराहे पर एक ओला कैब चालक द्वारा अपना ओला कैब बीच सड़क पर खड़ा करके और सो गया था, जिस पर यातायात बाधित हो गया था। इस पे थाना मानक नगर के पालीगंज के कर्मचारीगण हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह और कांस्टेबल अनमोल मिश्रा मौके पर जाकर उस ओला कैब के साथ डांट डपट कर उसको हटवाया जा रहा था। इसी बीच एक राहगीर विनीत सिंह। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।